क्या परेशानी है, बोलो ना, खुल के बोलो, डर क्यों रही हो? प्रेग्नेंट हूं। अच्छा, ये क्या कह रही है? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तूने। अरे ये क्या कर, चल हट, तो मरना छोड़ दिया, मेरी तो जान दिमाग खराब। पापा मेरी बात को सुनिए पापा, जब ये मुझसे शादी करने को रेडी है तो क्या प्रॉब्लम? घटिया बरादरी, तुम कौन सी बरादरी की हो? ठीक हो पापा, आप उनकी शादी कराओ ना कराओ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नीची जाति का किसी को बोलने का क्या मतलब है? क्यों रखिए, तब भी करूंगा शादी, समझ नहीं आ रही क्या? मैरिज कर सकते हो, मैं साइन करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा आपकी। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ। और आप भाई, आज यहाँ पे हम क्या हेल्प करने के लिए आ रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आज हम एक बहुत अच्छा काम करने के लिए आ रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई लड़का और लड़की बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये दोनों भाई शादी करना चाहते हैं। शादी क्यों करना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। लड़का भाई यूपी से है और ये जो है मैडम बनारस से है, ठीक है। इसका नाम नेहा है, उसका नाम सचिन है, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं अभी इस टाइम पे। रीज़न सिर्फ एक है जल्दी शादी करने का, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ रखे थे, और नहीं होता भाई फ्लैट महंगे मिलते हैं तो लड़का लड़की दोनों इकट्ठे रहने लग जाते हैं। तो जब ये दोनों इकट्ठे रहने लग गए तो आपस में प्यार बढ़ने लग गया। जब वो प्यार बढ़ गया तो उस प्यार की निशानी अब लड़की के पास है। मतलब लड़की इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, और लड़की अपनी मर्जी से, क्या मतलब, ये चीज़ें गलती से इन दोनों से हो गई हैं। और लड़का इस टाइम पे भी खड़ा है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शादी मुझे कल परसों कभी भी मेरे घर वाले कहीं पे भी करवाएंगे, लेकिन अगर जब हम दोनों से ये चीज़ हो गई है तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और लड़के ने भाई अपने घर पे सारी बात बता दी घर वालों को कि भाई ऐसी ऐसी बात है, लड़की के साथ मेरा ये सब कुछ हो रखा। तो लड़की, मतलब लड़का जो है ना, लड़की को घर भी लेके गया था अपने यूपी, तो इनके घर वालों ने इनको निकाल दिया धक्के मार के कि अगर तुम शादी से पहले ये सारे काम कर रहे हो तो हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी ऐसे ऐसे करके। और लड़की चाहती है कि भाई, लड़की भाई हमारी काफ़ी टाइम से वीडियो वगैरह देखती हैं, तो इसके काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि हमें एक वीडियो बनवानी है, मुझे अपने पापा को सारी सच्चाई बतानी है। तो अब बाकी आप बताओ कि सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ? इन्होंने आपको पहले भी बताया था कि हम पढ़ाई करने के लिए हम एक ही फ्लैट में रह रहे थे, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जैसे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, तो जिससे आपको इन्होंने आपको बताया होगा कि प्रेग्नेंट ये प्रेग्नेंट है। एंड देखो, बहुत से लोग ये होते हैं कि चीज़ें हो जाने के बाद या तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं या फिर छोड़ या तो छोड़ के भग जाते हैं, क्योंकि इतना इससे आगे कोई स्टेप नहीं लेता कभी भी। या तो अपने फैमिली वालों को बताने से डरेंगे कि भाई जो करेंगे मेरे फैमिली वाले करेंगे, मेरे से गलती हुई है, या फिर तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता, मतलब इस तरीके की चीज़ें सब करते हैं। लेकिन मैंने कुछ हटके करने की कोशिश की, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेके गया अपने गांव में, मम्मी पापा से मिलवाया, उनसे कोशिश की कि वो इस चीज़ के लिए एग्री हों, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि तुम हमारे लिए मतलब मर चुके हो बिल्कुल, हम ना तो तुम्हें अपनाएंगे ना इस लड़की को अपनाना चाह रहे। लेकिन फिर भी मैंने एक स्टेप, मैंने फिर भी इनका साथ दिया है कि हाँ भी मैं जब मैं तुम्हारे साथ तब खड़ा था तो मैं आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और आगे भी इन फ्यूचर खड़ा ही रहूँगा। तो आज इसी उसमें मैं इनके पापा से मिलने की वो कोशिश कर रहा हूँ, मिलने की बहुत बार मैंने कोशिश भी की है कि इनके पापा से मुलाकात हो जाए, लेकिन आई होप कि शायद जैसे हमारी फैमिली वाले अगर नहीं माने तो इनके पापा शायद मान जाएं इस चीज़ को, एग्री करें। तो कन्विंस करने की पूरी पूरी वो रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैं आज भी चाहता हूं कि चाहे वो चीज़ें गलती से ही हुई हैं, लेकिन मैं आज भी इनसे प्यार करता हूं, तो मैं शादी करना चाहता हूं, क्योंकि वो जो बच्चा है वो मेरा है, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रहा हूं। वो बच्चा मेरा है तो मैं नहीं चाहता कि वो अबॉर्शन हो, जिसे या गिराया जाए जो बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं। तो भाई लड़की को एक तो वो डर है कि भाई मैं अपने बाप को बताऊंगी कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई हूँ, शादी करना चाहती हूँ। एक सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कास्ट को लेके दिक्कत होती है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब आज के टाइम में मैंने देखा इतनी सारी नहीं होती, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब गाँव वगैरह में होती हैं, जो बड़े होते हैं उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो है भाई, लड़की जो है अच्छे घराने से, मतलब अच्छे पैसे वैसे वाले घराने से, और लड़का जो है ना, मतलब थोड़ा समझ रहे हो, मैं अपने मुंह से बोलता भी गंदा लगूंगा क्योंकि मैं सारे वर्ड यूज़ नहीं करता। तो लड़की को यूँ लगता है मेरे पापा को वो भी दिक्कत हो सकती है कास्ट को लेके, क्योंकि ये जो है ना बहुत ऊपर है, वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, तो इस चीज़ को भी लेके दिक्कत हो सकती है। तो आज जो है ना, लड़की ने अपने बाप को बुला रखा, इसका बाप भाई फ्लाइट से यहाँ पर आ रहा है अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए, ठीक है। तो आप कैसे पापा को अपने समझाओगे, कैसे कन्विंस करोगे, कुछ सोचा आपने? हाँ। देखो वीडियो तो हम बना रहे हैं, दुनिया देख रही है, गलत तो आप दोनों ने करा, बट अच्छी हाँ। चीज़ ये कि आप दोनों खड़े होकर शादी करना चाहते हैं। जो आप लोगों ने शादी से पहले करा, मैं तो उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट जाता हूँ, उस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगा कोई भी इस चीज़ को फॉलो करे या कुछ भी करे। जो भी इन्होंने करा गलत है, लेकिन
अब गलती तो हो गई, उसको आगे कैसे करें? तो आपने कुछ सोचा है पापा को कैसे मनाना है, क्या करना है? एक्चुअली मेरे पापा आ तो रहे बट वो मानेंगे नहीं, बिकॉज हमारे प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, कास्ट की वजह से भी इशू आएगा और मतलब हाई सोसाइटी का भी इशू आ जाएगा। बट मुझे मेरे पापा को कन्वेंस करना है, क्योंकि अगर मेरी मॉम होती तो इतना कोई इशू नहीं आता। अच्छा, आपकी मम्मी नहीं है? नहीं, मेरी मम्मा नहीं है। अगर मेरी मम्मी होती तो मैं उनको ही सारी बात बता देती कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो पापा को मना लेते। बट मेरी मम्मी तो है नहीं, पापा ही है, तो मैं उनको ही बोलूँगी ना, उनके अलावा मैं किसको बोल सकती हूँ? फैमिली में भी किसी को नहीं बोल सकती, एक वही है जो मुझे समझते हैं, तो वो आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करके उनको समझाने की कोशिश करूँगी। मुझे पूरा विश्वास है पापा मान जाएंगे। चलो, हम भी यही चाहते हैं कि भाई माने। और भाई इसी की डिमांड थी कि हमारी वीडियो बनाना और दुनिया सारी देखे, अपनी सच्चाई हमें बतानी अपने पापा को। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, अगर ये शादी कर रहे हैं तो भाई दोनों के घर में, दोनों घर वालों से कोई एक तो घर वाला यहाँ पे होना चाहिए। उसके घर वालों ने तो भाई धक्के मार के मना कर दिया। अब इसके पापा आज बनारस से यहाँ पे आ रहे हैं फ्लाइट लेने के लिए, तो जब भी वो आएंगे यहाँ पे उनका हम वेट कर सकते हैं, वेट कर रहे हैं। बाकी वीडियो में जो भी होगा आप सभी के सामने होगा, कुछ अलग सी वीडियो है, हटके वीडियो है, ज़रूर इस वीडियो को देखना, समझना क्या समझ आया आप सभी को। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितने लोग देखते हो ना उतने सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी के अभी जाके डू सब्सक्राइब। और हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। चीत करेंगे ना तो वो मान जाएंगे, आप टेंशन मत लो इस चीज़ के लिए। पापा क्या कर रहे हो? पापा कैसे, सुखी रहो, खुश रहो? मैं ठीक हूँ पापा। कौन है ये? पापा आप बैठिए तो सही। बैठता हूँ, क्या बात है, परेशान लग रही है क्या बात? बैठ बैठा दूंगी, बैठ। क्या हो गया? इधर हो जा, मेरे पास बैठ, इतने दिन बाद मिली है तो कम से कम क्या हो रहा है? अपना शक्ल कैसे बना रखी है? कुछ नहीं पापा, थोड़ी बीमार हो गई थी। और कुछ है, बीमार थी? हाँ, थोड़ी सी बीमार हो गई थी मैं। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। बोल क्या, चेहरा क्यों लटका हुआ है? फीवर हो गया था मुझे थोड़ा। अच्छा, बता क्या कह रही है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, आप ठीक हो ना? बताओ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, अपनी बताओ, क्या क्या बात करना चाहते हो? इतने इमरजेंसी क्यों बुलाया? मैं अभी फ्लाइट करके आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए बुलाया मैंने। बेटा बोलो ना, क्यों शर्मा क्यों रहे हो? पापा मैं कैसे बोलूँ आपको? बता, बोल ना बेटा, घबरा क्यों रही है? एक्चुअली पापा आपको तो पता है ना, मेरा कोई नहीं है, आप भी हो, आपके अलावा कोई नहीं है, बट आपसे कैसे बोलूँ मैं, मतलब ये कौन है? ये पापा, ये सचिन है। अच्छा, हाँ, मैं इसके साथ ही आ रहा था। क्या हो गया बेटा, क्यों घबरा रही है? बोलो बेटा, खुल के बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? पापा एक्चुअली मैं इस आप मैं यहाँ आई थी रहने के लिए, तो मैं इसके साथ रहती थी फ्लैट। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो एक्चुअली पापा बताओ ना, क्या मन में अटक क्यों रही बात? क्या बात है बताओ? पापा मैं प्रेग्नेंट। बताओ मेरी आंखों में देखो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बोलो ना, खुल के बोलो। पापा डर क्यों रही हो? प्रेग्नेंट हूं। अच्छा, ये क्या कह रही है, हैं, दिमाग खराब कर दिया तूने तो? पापा पागल हो गई, कैसी बात बोल रही है, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया तूने। अरे ये क्या कर, चल हट, दिमाग खराब है, देख कैसा लड़का, पहले प्रेग्नेंट कर दिया तुम्हें, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलो, क्या करें, मेरे को तो मरना छोड़ दिया, मेरी तो जान दिमाग। पापा मेरी बात तो सुनिए, पापा प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ सुनने, तेरी बात तो सुनने आए हैं। पापा मेरी बात तो सुन लीजिए, तेरी तो बात सुनने आया, तू तो मेरे को मरवा दिया जिंदा जी, दुनिया भर में मेरी बदनामी। एक मिनट चुप करो बेटा, तुम बीच में मत बोलो, मेरी कितने पता है दुनिया क्या कहेगी, मुँह पे थूकेगी मेरी। पापा मेरी बात पड़ोसी क्या कहेंगे, है शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मेरी बात तो सुन ली, सुन ही रहा हूँ तुम्हारी बात तो सुन ली, सारी बात सुन ली, एक किससे बड़ी मेरे लिए मौत, मौत पापा पूरी बात तो सुन लीजिए। बोल क्या कह रही है? बैठिए तो सही, बैठ रहा हूँ मैं, बैठ गया मैं, बस हो गया, बैठ गया। प्लीज बैठ रहा हूँ, क्या करें, मेरे लिए तो मना कर दिया तूने, एक बार आप सुनिए तो सही, एक बार पूरी बात, एक मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो, समझ गया ना? प्लीज अंकल जी एक बार सुनो, मेरी बेटी को तुमने ऐसी हालत कर दी, बताओ मैं किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरा तो मैंने बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। एक बार आप उसकी पूरी बात सुन लीजिए। अरे एक मिनट तुम चुप रहो, मैं सुन रहा हूँ उसकी बात ना। हाँ बोल क्या कह रही है तुम? प्रेग्नेंट हूं, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। शादी करना चाहती है जो वो ऐसे बेशर्म आदमी हो जो पहले से तुम्हें प्रेग्नेंट कर दे? वो मेरी भी गलती थी। गलती तो है ही तेरी, इतनी बड़ी बेवकूफी करी तूने, पागल हो जाऊंगा ऐसे ही तो, मैं क्या दुनिया कहेगी, मैं कहीं मुझे शक्ल दिखाने लायक नहीं रहा। तो पापा ये मेरे से शादी करने को तैयार है। शादी करने को तैयार है? कौन है ये लड़का, क्या करता है ये? पढ़ाई करता है। पढ़ाई तो करता, करेगा क्या, कल को कहा रखेगा ये?
काम कर लेगा वो। काम कर लेगा? अभी तो कुछ करता नहीं है ना। वो कर लेगा पापा। कौन सी बिरादरी इसकी है, क्या जात है इसकी, कहाँ का रहने वाला है ये? यूपी। यूपी कौन सी जगह? यूपी छोटी सी है कोई? मेरठ जिले से हूँ मैं। हैं? मेरठ जिले से हूँ मैं। मेरठ का है जी। तुम जानते हो उसको? अच्छा लड़का है ये। मैं इसके साथ ही रहती हूँ। हम शादी कर रहे हैं, मैं नौकरी भी करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं गलत सोच रहा, मेरा दिमाग खराब है? बताओ, लड़की को पहले से कभी होती प्रेग्नेंट आज तक? देखो ऐसा शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात बोल रहे हो? देखो आप मेरी बात समझ नहीं, क्या समझूं मैं तुम्हारी बात को? दिमाग खराब कर दिया तुमने तो मेरा। शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो आप जो करना कहना चाह रहे हो आपकी बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल प्लीज सोच। क्या प्रैक्टिकल होता है? दिमाग मुझे सिखाओगे तुम प्रैक्टिकल? है, मैं तुमसे सीखूंगा प्रैक्टिकल। आपकी बात बिल्कुल सही है। शादी करने को डैडी है तो क्या करूँ मैं? चार डालू, चल हटे यहाँ से, चलिए। बहुत खुश रखूंगा अंकल जी, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। आप क्या रखे जाते हो? आपसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी तो बरादरी की मैं बता रहा, कितनी घटिया बरादरी। तुम कौन सी बरादरी की हो? जात से क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं फर्क पड़ता? बाबा जात से क्या फर्क पड़ता है? हरिजन बना दिया बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। है, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा तो। दिमाग खराब कर दिया मैं तो। पापा दुनिया क्या कहेगी? पापा अगर ये छोटी जात का है तो वही बच्चा मेरे पेट में भी पल रहा है पापा। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाता है दुनिया। अब ये नहीं सोच रहा, कह रहे हो मेरी जात नीची है तो क्या वो बच्चा जो है वो क्या बड़ी जात का है? नीची जात का ही है ना, मेरा ही तो बच्चा है। जात का तो तुमने तो खराब कर दिया सारा, मेरा जीना आराम कर दिया। देखिए आप जो समझते, अगर ये होता है कि मैं उसको छोड़ के भाग जाता तो आपका हक बन जाता, लेकिन वो मैं मानता हूँ तुमने छोड़ा नहीं इसको, लेकिन कम से कम ये थोड़ी होता है, इस तरह बेइज्जती होती है। देखो आप समझने की कोशिश कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं तो इसका बच्चा गिरा दूं अपना, दूसरी जगह अच्छे घर में शादी करूंगा। बहुत अच्छे घर में शादी कराऊंगा। नहीं पापा, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गई है पापा? तू समझ प्यार में नहीं, मैं इससे प्यार करती हूं। अरे मैं तेरे तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी भी सुनेगी नहीं, मैं तेरे को इतने लाड़ से प्यार से पा रहा है और तेरे को इतने अच्छे घर में तेरी शादी कराऊंगा मैं। नहीं मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, इसका बच्चा। बैठ एक मिनट, मेरी बात तुम चुप रहो, बीच में मत बोल, समझा ना? एक मिनट चुप कर जाओ, एक मिनट चुप करो तुम। इस चीज में जात का मैटर प्लीज साइलेंट। अरे चुप तो करो, बात करने दे मेरे को, बेटी से अपनी तो बात मैं भी तो कर रहा हूँ ना आपसे। मैं पहले बात भी करूँ, पहले एक मिनट चुप करेगा नहीं तू? हाँ बोल, क्या कह रही तू? बापू मैंने आपको इसलिए तो बुलाया था ताकि आप मुझे समझ सको। बेटा तो मैं तेरी हर दुख को समझ, तेरे लिए जान देने को तैयार हूँ। आप कहाँ समझ रहे हो? आपकी जगह मम्मी होती तो मैं उनको बोल देती। मैं तेरे लिए सब कुछ, तेरे लिए अपना खून दे दूँ, लेकिन तू मेरे को ऐसे कर दिया, मैं तुम्हें लगता की तू मेरे लिए मर गई है, किसी काम की नहीं। मेरे को जीते जीते मार दिया, शर्म नहीं आती तेरे को? मैं क्या दिखाऊंगा दुनिया को शक्ल? इसकी माँ नहीं तो बाप ने क्या इसके साथ किया? नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। पापा आप ठीक हो? पापा 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 इतनी बेइज्जती करी तूने मेरी, तो बताओ मैं क्या दिखाऊंगा? कम से कम इतना शर्म होनी चाहिए कि मतलब मैं बुलाऊंगा तो कल को मेरे साथ क्या होगा? इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, हार्ट अटैक हो जाता अभी मेरा तो क्या होता? प्लीज आप बात समझ नहीं, क्या तुम्हारे माँ बाप क्या करते, कौन है, कहाँ? खेती बाड़ी करते हैं मेरे माँ बाप। खेती बाड़ी करते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ बाप क्यों राजी है तुम्हारे? अंकल आज राजी नहीं, राजी नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ? दो घरों में रिश्ता होता है बड़ी इज्जत से, शान शौकत से, बैंड बाजे बारात आती है, और तुम लोग तो ऐसे कर दिया कि मैं किसी को नहीं ले जा नहीं सकता मैं। अंकल देखो आप जो कह रहे हो वो चीज समझने की कोशिश करो, जात से क्या क्या समझूं मैं? तुम मेरे को पढ़ाएगा, मैं बच्चा हूँ, मैंने बच्चे पैदा किए, मेरे को नहीं पता क्या होते हैं? बता रहा हूँ इससे तो तू अपना ना बच्चा गिरा दे और अपना मेरा दिमाग खराब मत कर, इसको छोड़ दे, ये बेकार लड़का है। मैं नहीं ऐसा तो नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ तू मेरी बात मानती क्यों नहीं है? तेरे अच्छे घर में शादी कराऊंगा मैं, ठाट बाट से। अरे चुप करो, बदतमीज कहेगा ये नीच जात का लड़का है, पता नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती? मुझे कोई और और अच्छी जगह शादी कराऊंगा। क्यों नहीं करूंगा? मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने, इसको पहले से प्रेग्नेंट कर दिया। पैसे की बात थोड़ी होती है उसमें, तो नीचे जाति का क्या मतलब? बार 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 बोले जा रहे हो नीचे जाति, नीचे जाति को सच्चा प्यार भी होता होगा ना? सच्चा प्यार होता तो पहले ऐसे करते हैं,
देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, देखो मैं आपसे क्या सुनूं तेरी बात, देखो प्लीज आप मानने की कोशिश करो, बार बार मेरा दिमाग खराब है क्या तू, मेरे को मत छुपी जा, हट पीछे, दिमाग खराब कर, देखो मेरी बात समझने की कोशिश, मेरे को हाथ लगा रहा है, गरम याद दे दो, अरे हट पीछे हो जा, पीछे हट जा, इंसान है तो क्या हो गया, ये थोड़ी जाति से क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी बात से फर्क नहीं पड़ रहा, तो और क्या, मेरी लड़की को तूने खराब कर दिया, सत्यानाश कर दिया, मेरी बात समझने की, जिंदगी साथ खराब कर रही है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, बदतमीज कहीं कुत्ता दिमाग खराब करेगा, हट जा पीछे, छोड़ उसका हाथ, हाथ छोड़, हाथ छोड़ उसका, अरे हाथ छोड़, समझने की, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़, छोड़ इसका, जल्दी पैर पकड़ रहा हूं, अब पैर पकड़ रहा हूं, प्लीज प्लीज हो जा, बाबा हट जा पीछे, तो पीछे बैठ, जल्दी से पड़ दे, हट, दिमाग खराब कर, मेरी बात समझने की कोशिश करो, दिमाग खराब हो रहा मेरा, देखो प्लीज मैं आपके, देखो मैं पैर पकड़ रहा हूँ, प्लीज शादी करूंगी और किसी से नहीं करूंगी, आप इसे मत मारो, मेरी जान को धोले, आप इसे मत मारो प्लीज, बाबा मार कर रहा हूँ मैं, तो इसको पीछे कर रहा हूँ, देखो मारा मैंने इसको, हल्का सा ही मारा है, तो शुक्र मारू तो इसको मारूंगा तो पता नहीं होश उड़ जाएगी उसकी, मेरे को कमजोर मत समझ, देखो आप बात समझने की कोशिश करो, बार 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 मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती क्यों नहीं करो, तो है ही इस लायक नहीं है, बेइज्जती के लायक ही है, बर्दाश्त नहीं करूंगा, गंदा आदमी तू है, बार 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 मेरे को नीची जाति का बोल रहे हो ना, जाति क्या होती है, तूने काम भी ऐसा किया, तूने बहुत गलत बोल रहे हो आप, मेरे को काम भी तूने ऐसा किया है, नहीं नहीं बहुत गलत, मतलब ये नहीं है, काम ही ऐसा तूने किया, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मतलब ये नहीं है, मेरे को कुछ भी बोलो, करो एक मिनट, शुक्र वो किसकी बेटी है, मेरी बेटी है, आप कौन है, किसकी बेटी है, मेरी बेटी है, आपका खून है, हाँ मेरा खून है, आप कौन हो, आप कौन हो, आपकी घरवाली है, नहीं घरवाली की, आप उसको मार क्यों रहे हो, कब का नीचे, किसको मार रहा हूँ, वो क्यों बोल रहे हो, किसको मार रहा हूँ, तो जब है ही वो, इसने काम ही ऐसा किया, ऐसा काम किया इसने, कहीं पे लिखा हुआ है कि आप ऊंची जाति के, क्यों नहीं, हमारे बरादरी में इज्जत है, सब कुछ है, शान शौकत है, की होती है, इज्जत तुम्हारी भी है, जेब में चार पैसे होते हैं ना उसकी इज्जत होती है, आपका क्या मतलब बनता है उसको बोलना कि नीची जाति का, बात पैसे की नहीं होती है, आप कौन होते हो, मेरी बात सुनो, हेलो भाई, ओ भाई तुम कौन हो, पहले ये तो अपने परिचय दो, मैं कोई चीज से मतलब है ही नहीं, हेलो मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है, आप उनकी शादी कराओ ना कराओ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये नीची जाति का किसी को बोलने का क्या मतलब है, कोई नीची जाति, क्यों बोल रहे हो आप उसको, क्यों बोल रहे हो, बोल नहीं रहा मैं, कह रहा है वो है, तो है, खुद कह रहा ना, उसने आपके घर पे आया, आपका खाना खाया, आपको टच करा, आपकी आपकी थाली में से खाना खाया, तो नाश कर दिया उसने, बेटी का क्या नाश करा, बेटी आपकी अपनी मर्जी से गई है, पूछ लो उससे शादी करना चाहती है उससे, मानता हूँ, तो उसके पेट में जो बच्चा है ना वो भी अभी नीची जाति का, नीची जाति का, उससे पूछ लो, तुम्हें जो तुम्हारे पेट में बच्चा है किसका, उसका है ना, सचिन का है ना, और सचिन नीची जाति से, ये कह रहे ना, तुम्हारे पेट में किसका हुआ, नीची जाति का हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है सारी चीजें बोलने में, क्यों नहीं शर्म आएगी, बकवास कर रहे हो, नीची जाति का, नीची जाति का, प्रेग्नेंट पहले, शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है कभी, ठीक है वो गलती उनसे हो गई, उसके लिए उन्होंने आपको बुलाया ना यहाँ पे, मेरा दिमाग नहीं खराब होगा, अरे तो आपको इन्होंने क्यों बुलाया यहाँ पे, बुलाया इसलिए मुझे क्या बताइए, गलती हो गई है, आप प्लीज आइए, हमारी मसले को समझिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए बुलाया ना आपको, आप यहाँ पे आके बहन उनकी शादी की बातें अलग कर रहे हो, नीची जाति गिरा हुआ लोग, कूड़ा उठाने वाले लोग, बड़े इंसान हो, चश्मा पहन, नहीं ये चश्मा पहन के आपके, आपने आपको रईसियत में दिखा रहे हो, अच्छा दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, बुराई आपके अंदर में भी है, अच्छी बरादरी, आपने भी अच्छी, क्या अच्छी बरादरी, बुरी बरादरी क्या होती है, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए, शादी आपको करनी है, नहीं ना आपकी बेटी को करनी है, आपकी बेटी बालक हो चुकी है, वो शादी करनी है तो ठीक है, वो शादी कर सकती है, आपको शादी करनी है अपने हस्बैंड के साथ, जिसको आप हस्बैंड समझ बैठे उसके साथ शादी करनी है, आप बालक हो, मैरिज कर सकते हो, मैं साइन करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा आपकी, चार लोग मैं लेके आऊंगा, चार लोग मैं लेके आऊंगा, जब आप ये वाली बातें करोगे ना, नीची बिरादरी वो बिरादरी, एक मिनट एक बात बताऊं, आप भी किसी ऊंची बिरादरी से नहीं हो, तो मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मेरे से नीची बिरादरी हो, मैं इस चीजों को लेके बात नहीं करता, ठीक है, आप जो कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, जब आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, रहना उसको, खाना उसको, सोना उसको, आपको क्या लेना देना, माँ भी बन के और बाप भी बन के पाला इसको, मैंने इतनी उम्मीदें सोची थी, क्या क्या सोचा था मैंने, तभी तो वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, तभी तो आपको माँ बाप समझ के यहाँ पे बुलाया उसने, ये कुछ आप समझोगे, कुछ बताओगे, अब क्या करना, उसको नहीं पता, उसको ये नहीं पता था कि मेरा बाप आगे मुझे इतने ताने देगा और बोलेगा मेरी बेटी मेरे लिए मर गई, तो मेरे को दुख नहीं हो रहा, अच्छा दुख हो रहा तो उसका दुख क्यों बढ़ा रहे हो, दुख उसको भी हो रहा, तभी वो रोके तुमसे बात कर रही है, अच्छा बोल क्या चाहती है, क्या चाहती है, उसने बोल दिया जो चाहती है वो, आप ज्यादा शरीफ मत बनो, आपकी हकीकत दुनिया को पता लग रही है, ठीक है, तो आप भी तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, आप अलग सी बातें कर रहे हो यार, आप जो बोलो वो ठीक है, हम जो बोले वो दिक्कत है, मैंने ये आप उसको धक्के मार रहे हो, थप्पड़ मारो, मैं आपको थप्पड़ मारूं, मैं आपकी गिरेबान पकड़ूं, जो मेरे को मारोगे, तुम्हारा क्या मार रहे हो, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तुम्हारा क्या करा उसने, क्यों नहीं किया, क्या करा,
अच्छा चलो ठीक है, इधर यहाँ पे आने पे, एक मिनट ओ भाई इधर आइयो। तूने इसको प्रेग्नेंट करा? हाँ जी। है जी। तूने इस लड़की को प्रेग्नेंट करा शादी से पहले? जी। अब तू बोल इस लड़की के साथ मेरे को शादी नहीं करनी? मैं शादी नहीं करूंगा इसके साथ। अब अपनी बेटी को लेके जा घर घर के धक्के खिलवा चल। अब तेरी बेटी प्रेग्नेंट है और जिस लड़के ने करा वो मना कर रहा है शादी करने से। अब एक काम कर, गली में अपनी लड़की को घुमा, देख कौन शादी करता। तो मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद हूं। तो जब वो तेरे को समझाने के लिए आबे आ रखा, जब समझ नहीं आ रही क्या? तो आ वो तेरे को कह रहा ना शादी हो रखी है, तब भी करूंगा शादी। समझ नहीं आ रही क्या? समझ तो रहा हूं, इतना चिल्ला तो इतना चिल्ला मेरे ऊपर नीचे। हां तो इतना मेरे ऊपर मत। की बार अगर नीची जाति का नाम लिया है ना, मैंने कब लिया? तुम्हारी जाति बाहर निकाल दूंगा मैं। समझ आ रही है? उसकी बिरादरी नीचे, उसकी बिरादरी ऊपर। क्या बोल रहा है? कब का बोल रहे कि तू नीचे जाती का, तू गरीब है, तू कीड़ा है, गंदी नाली का कीड़ा। गरीब मैंने कब कीड़ा? कीड़ा मैंने कब बोला तेरे को? झूठ क्यों बोलता साथ में? दो झूठ बोल रहे साथ में। भाई साहब अपनी बेटी का हाथ पकड़ो, नहीं करनी इसको शादी। कितनी देर से मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बेटी तुम्हें मंजूर है ना? इसको करनी नहीं शादी। मेरे को आपने कितना कितना बोला, मेरे को धक्के मार रहे हो, मारपीट कर रहे हो मेरे साथ। अपनी बेटी का हाथ पकड़ो, क्या करूं बताओ ना, मेरे को दुख नहीं हो इतना। भाई साहब हेलो, आपके पैर तक मजबूर मत करो हाथ उन्होंने। ठीक है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ो, निकलो यहाँ से। नहीं करना, दिमाग खराब कर रखा है। बताओ अब ये जिद करी, मैं क्या करूँ बताओ मेरे को? अबे तो अपनी जिद को खुद देख, उसका ठेका हमने उठा रखा है क्या? तो मैं मान तो गया हूँ। नहीं करनी इसको शादी, मना कर रहा वो। मैं तो बेटी के पीछे मान रहा हूँ ना। नहीं मान रहा वो लड़का, तेरे में हिम्मत है इसको मनाने की तो मना। चल तेरी बेटी से पहले पूछ, शादी करनी है ना? तो करो, उसको करनी है नहीं शादी? पहले करनी है ना? करनी है ना? उसने तो कह रही है नहीं करनी, मना कर रहा हूं मैं। पूछता हूं, मेरे को पूछने दो, पूछने दो। हां मुझे नहीं करनी उसे शादी अभी। क्यों आप झूठ बोल रहे हो? अभी तो तुम इतने पागल हो। नहीं करनी अब, नहीं करनी ना, नहीं करनी अब, नहीं करनी बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों, क्या दिक्कत होगी? अब दिक्कत आपको पता नहीं, बार बार मेरे को बोले जा रही थी। तुमने कहा तो तुमने क्या स्टैंडर्ड करता है इसमें? शांत हो जा, मेरी नहीं, मैंने बोला इंसानियत नाम की चीज को आपने क्या बोला? पैसा मेरा, रुतबा मेरा, नाम हमारा भी नाम है। अमीरों गरीबों को क्या दो बात तो करने वाले बने हो? एक मिनट शांत, बात करनी है तो ढंग की बात कर, इधर उधर की बातें मत कर। अरे बताओ क्या चाहता तू? एक मिनट शांत हो ना तुम। मैंने बताया हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है तू, समझ आ रही है? हाँ पीछे हो, चले शांत हो जाओ। ओ भाई एक मिनट बात बात करने दो मेरे को। नहीं करनी मेरे को तेरे से शादी। बहुत जाति बिरादरी निकालता है ना, बात तो करने दो। धक्के खाने क्या हो? अरे यार मैं उसकी जिद के पीछे सब कुछ करूंगा। उसके जिद के पीछे कुछ भी करोगे? उसकी जिद के पीछे क्या करते हैं आपके पापा? बताओ आप बताओ, अगर ये आपकी जिद के लिए कुछ कर सकते हैं क्या क्या करते हैं अभी? लाडली बेटी है मेरी, एक ही बेटी है। चुप कराओ, आप बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं और अभी आपके पापा? अरे चुप है बुड्ढे, चुप है। चुप कर लो अपने बाप को। अगर आपके बाप आपकी बातों को समझता तो अभी तक क्या करता? सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर ये मुझे समझते तो मैं जब बोलती हूँ मुझे समझते ना कि मुझे कोसते और इसको भी कुछ भी नहीं बोलते। शादी करने वाले दामाद को क्या बोलते? दामाद बोलते उन्होंने। तो ये लड़का किस चीजों इतनी बातें सुन के, जो शादी से पहले इतनी बातें सुनेगा वो शादी के बाद क्या क्या सुनेगा आप बताओ? या तो एक काम करो, आप दोनों कोर्ट मैरिज करो। इन्होंने तो आपको बोल रखा है कि आप मेरे लिए मर चुके हो, तो आप इसको भूल ही जाओ कि ये मेरे पापा भी हैं। क्योंकि मुझे इनमें कोई इंसानियत तो दिख नहीं रही। पर मैं पापा को कैसे भूल सकती हूँ? अगर हमें शादी करनी होती हम तो कर लेते ना ऐसे शादी। इनको तो बुलाया ना मैंने। आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड की शादी के बाद भी बेइज्जती होती रहे? नहीं मैं ये नहीं चाहती। वो आपका अपना घर छोड़ के आपके लिए आप आ रहा है? इसके माँ बाप ने इसको धक्के मार के निकाला ना आपके सामने, तब भी ये क्या कह रहा है मेरे को शादी करनी है तुम्हारे साथ? और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पापा उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, तुम चुपचाप सुन रही हो। इसमें तो फिर तुम ही गलत हो ना, तुम स्टैंड नहीं ले सकती इसके लिए। मेरी वीडियो बनवाओ, ये करो वो करो, कैमरा लगा दिया, वीडियो बना रहे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता था पापा अपने बाप के सामने इसकी बुराई सुनती जा रही, सुनती जा रही। नहीं पता था पापा ऐसा बोलेंगे। मैं अगर पता होता ना कि आप ऐसे हरकत करने वाले हो तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं ना, मैं आपकी वीडियो बनाता। एक बात, जो आपका आप जो लड़का आपका जो हाथ पकड़ने वाला है, आपके साथ शादी करने वाला, अपने घर वाले छोड़ सकता है, और आपका बाप सामने सामने नीची बिरादरी का बोल रहा है, उसको नीच कीड़ा बोल रहा है, उसका क्या मतलब होता? अरे मुझे दुख नहीं हुआ, कितना धक्का लगा मेरे दिल को, आप नहीं समझते ना? धक्का लगा नहीं लगा, ये कह रहा मेरे को नहीं करनी शादी। अगर आपको करनी है तो आप अपने बाप को समझाओ, अगर इसमें दम है तो उसको मनवाओ। नहीं करूंगा मैं, मैंने ज्यादा बात कर लो ना। बोलो बेटा, अरे बोल बेटा, खड़ी हो, ऐसे मत कर, खड़ी हो मेरी गुड़िया, खड़ी हो जा, खड़ी हो। अच्छा मैं नहीं रह सकती उसके बिना, मैं मर जाऊंगी। ठीक है मैं, हां तो ठीक है ना, बोल क्या चाहती, खड़ी हो। मुझे मनाना है तो मनाता हूं, मनाता हूं, मनाता हूं मेरी गुड़िया, मैं मनाता हूं, मनाता हूं मेरी बेटी। रो क्यों रही? चुप कर, चुप कर, चुप कर, चुप कर।
बेटा मान लो, चलो कोई बात मुझसे गलती, गलती मान लू तो भी नहीं मानेगा तू। मैं क्यों मानू, मैं कैसे मानू यार, मैं मतलब अपना तेरा ससुर होने वाला ससुर, कुछ देर पहले कहाँ गया था ससुर, मेरे को नहीं धक्का, मेरे को दुख नहीं हुआ कितना धक्का। अरे मैंने आपके पैर पकड़े, मैं आपके पैरों में गिरा, आपने क्या बोला मेरे पैरों के हाथ में लगा, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। मैंने क्या कहा, अरे अंकल जी इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, आपकी बेटी को छोड़ो। नहीं नहीं मुझे करनी नहीं, क्यों बेटा, कौन बेटा, मैं तो नीचे ही जाता हूं ना, पहले तो आई आपको हाथ लगा रहा था, आप उसको कह रहे थे पीछे हो जा, कैसे बेटा हो गया, आपके साथ लगा रहे हो, बेटी को प्रेग्नेंट किया तो कम से कम आपकी बेटी हुई है, इसको बताओ जी, मैंने नहीं किया, आपकी बेटी हुई है, नहीं बोलो, दोनों की मर्जी थी, मेरे के दिमाग का वेन निकाली है, नहीं नहीं मैं अकेले वो नहीं कर, मैंने मान लिया, हां मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ में, ना अपनी बेटी से पहले पूरी बात मैंने सुन ली, ओ भाई साहब मैंने सुन ली, मेरे को मत समझाओ, अरे चुप तो करो, एक मिनट, आप पहले इसको हाथ लगा रहे थे आपको, तो आप इसको ये क्या बोल रहा था, नीचे जात का है तू, मेरे हाथ मत लगा, अरे एक मिनट बात तो करने दो, बात तो करने दो, गिरगिट होता है, इंसान हो, गिरगिट नहीं हो, इंसान तो हो, अरे आप भी गलत बोले जा रहे हो, गिरगिट हो, फलान हो, ढिंगान हो, आप कितना बोले, दो मिनट में पलट रहे हो, मैं तो जो हूँ सो हूँ, सामने हूँ, मैं तो कोई पलट नहीं रहा, मुझे पता होता ना कि आपकी लड़की इतनी बदल सकती है तो मैं यहाँ पे आता भी नहीं, आपकी बेटी के बोलने पे यहाँ पे आओ, कैमरा लगा के वीडियो बना रहा हूँ, लाखों लोग देखेंगे वीडियो, लाखों लोग, और जो मैं हूँ सो हूँ, मैं कोई पलट नहीं रहा, मैं कोई पलट नहीं रहा, मुझे आप जैसे अमीरों से फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, अमीर गरीब की आप, हाँ तो आप जो हरकतें कर रहे हो ना, नीची जाती ऊंची जाती ये जाती वो जाती, तो अपने पास रखो, बस करो, इतना क्यों तड़प रहे हो, तो ऐसे ताड़ियां मारो, भाई तेरे को करनी है शादी, तो नहीं करनी, तो मैं कैमरा मेरा बंद करा, नहीं करनी, नहीं करनी, कितनी बार कहूंगा उतनी बार बोलूंगा मैं, अगर तुम्हें समझना होता ना तो अभी तक मान गए होते, मुझे बार बार ये नहीं करो तो नीचे जाते, तो मैंने बोला अंकल जी इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, समझो, इसमें तो असली गलती आपकी वो है, जो आपकी बात जो आपको घिसते रहो, मतलब उस बात को जो मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, तो कैसी कोई बात नहीं, आज अपने पकड़ने लगे, एक मिनट पकड़ने लगे, सुनो मेरी बात, कल को शादी के बाद आप बोल दो मैं अपनी बेटी को अपने पास रखूंगा, घर जमाई बन जाए, कैसे बन जाऊंगा मैं, मेरी इज्जत नहीं है, नहीं मेरी इज्जत नहीं है, कल को जब आप तुम इस बात से बदल सकते हो, कल को किसी और बात से नहीं बदलोगे, मुझे भी तो बोलने दे कुछ, बोलो, तो घर जब जमाई बन जाए तो मैं तेरी इज्जत नहीं करूंगा क्या, क्यों बनू मैं घर जमाई, घर जमाई नहीं, जमाई बन जाएगा तो इज्जत नहीं करेगा, जमाई अभी कौन सी जमाई, मैं कह रहा घर जमाई नहीं, कल को तुम ये भी बोल दोगे, जैसे तुम अब बदल सकते हो, बाद में बदल गए तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी बेटी तक मेरा साथ नहीं दे रही है, चुप तो कर जा भाई, मेरे को भी सुन ले दे, हां बोलो, मतलब मैं जब जमाई बन जाए तो मैं क्यों बाद में बदलता हूं, जब शादी हुई तो बात खत्म, फिर मेरा भी, मैंने आपको मैंने क्या कहा, पहला आपके तेरा बीवी के ऊपर होता है, मेरा बाद में पीछे हो जाता है, मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, तो मैं बोल रहा हूं ना, गलती हुई, मैं आपकी बेटी से शादी करना था, आपने क्या कहा, नीची जात का है तू, नीची जात का है, बार बार बोल बोल के, बोल बार बार, इतनी बार तो मैंने बोला भी नहीं, इतनी बार तू अब रिपीट कर रहा है, नखरे दिखा रहा है, अकड़ रहा है इस बात को, क्यों क्यों नहीं, मेरी इज्जत नहीं, आपकी इज्जत, आपके पास पैसा, आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं, मेरी इज्जत कुछ भी नहीं है, वही बात बोले जा रहे हैं, सही, गलत नहीं बोल रहा हूँ, बात नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा, मेरे जो डिसीजन था मैंने फाइनल कर दिया है, अब जो डिसीजन लेना है आपने लेना, आप अपनी बेटी को लेके जाओ, बस बात खत्म, मतलब अकड़े जाएगा हर बात में, क्यों इतनी अकड़ आ गई, मतलब तेरे अंदर अकड़ आएगी कैसे, नहीं बार बार आप मेरे माँ बाप को गाली दे रहे हो, मेरे उसको गाली बार दे रहे बार हो, बार मैंने आपको बोला इंसानियत नाम की, मतलब क्या इंसानियत यार, सुनेगा नहीं, मतलब अकड़े जाएगा, अकड़ इतनी हो गई, मतलब वो गुंडों वाले हरकतें दिखा रहे हैं, मैं प्यार से बोल रहा हूँ तुम्हें, तो अकड़े जा रहे हैं, बताओ और क्या कर रहे हैं, बताओ, ये भी इतना गुस्सा दिखा रहे हो तुम्हें, इसमें गलत क्या था, सब आपको बोला, मैं कह रहा हूं सुनना, फैसला करना है या नहीं, कोई बहस नहीं करनी, मैंने अपना डिसीजन ले लिया, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, चुप है, आपको कुछ बोलना था आप बोलिए, नहीं हम चुप हैं, मैंने बोली आप, बस मैं हम चुप हैं, आप बोलिए, आपको कुछ बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो शादी करवा दे तो तुम्हारी अच्छे से ढंग से करा दो शादी, और तुम अच्छा खुश रखूंगा, तुम आप मतलब दोनों खुश रहोगे, मेरा कोई मतलब नहीं बीच में, मैंने अपना चला जाऊं कहीं ना कहीं, एक बात आपने पूछी अपनी बेटी से, उसके एक बार कहने से मेरे बाबा आपने मुझे घर से निकाल दिया, मैं उसके हाथ पकड़ के यहाँ तक चला आया, और तुमने क्या करा के साथ, तो तभी आया जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बोल रहे हो अपनी बेटी को कि तू अबॉर्शन करा ले, मैं तेरी दूसरी जगह शादी करा दूंगा, अरे मैं एक बात बताऊं, एक बाप अपनी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकता है कि तू अपने पेट का बच्चा गिरवा दे, अरे वही मैं बोल रहा हूँ, तो आप मुझे कह रहे तू चुप हो जा, तू बीच में बोल रहा है, एक बात बताओ, ये आपकी बेटी आपका खून है ना, क्यों नहीं है, किसी और का खून तो नहीं है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, आपका खून है ना, आपकी बेटी अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है तो आप उसको यूं बोलोगे कि शादी से पहले तू अपना बच्चा पेट से निकलवा गिरवा, नहीं होती क्या, आप समझते नहीं हो, तो आप एक काम करो बदनामी को ये रख लो, जब बदनामी हो तो खत्म, अब बात खत्म कर रहा हूं ना, एक मिनट, हम तो बात खत्म करना ही चाह रहे थे, आप ही कह रहे चुप रहो, अब तो चुप रहो, सुनते रहो, अब चुप रहो, नहीं करनी बात, बात नहीं करनी, इसको बात
कमाल है, बात बढ़ाना चाह रहा हूं, नहीं कर रहे हम कुछ, नहीं करनी कुछ, हमें नहीं करनी कोई बात आपसे, हो गया। जब आप में सुधार होता ना, आप सुधार जाते समझ जाते, बोल तो रहा हूं सुधार कर रहा हूं, अपने मुंह में बेच लो, हां हूं, कुछ नहीं बोलना इनको, कुछ बोलना तो इनको बोलने पे, अब तू पूछ ले इससे क्या कह रहे हैं इनमें, पापा गलती तो आपने बोला, तो मेरी गलती क्या है, अरे बंदे को दुख नहीं था, धक्का लगा, बताओ आदमी को यार, बताओ, समझ नहीं आता, पर आपको भी समझना चाहिए था ना, आप भी तो, तभी तो मैंने आपको बुलाया था समझाने के लिए, तो समझाने, हम शादी करने को ऐसे भी कर सकते थे, फिर भी मैंने आपको बुलाया, मान तो गया, मैं कह दूं थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होता ही ना, आदमी गुस्सा आता है तो गुस्से में बोल दिया तो मतलब बुरा मान जाएगा इसमें, आप उसको नीचे गिरा, बरादरी को निकाल देते, बरादरी को निकाल देते हैं, पैसा माँ बाप, माँ बाप सब कुछ, सब तो बात खत्म कर दी ना, क्यों बात को बढ़ाए जा रहे हो, जब लड़की राजी तुम भी राजी हो ना, वो तो राजी है, तो बस फिर बात खत्म करो, तो लग रहा है आप जो बोल रहे हो ना धूमधमाम में कैसे शादी कराऊंगा, आपने तो ये भी बोला कि अगर मैं से कोई पूछेगा तेरा दामाद कौन है तो मैं उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको कि मेरा दामाद है जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। जाति का मेरा अरे दामाद यार है। तो आप एक काम करिए ना, सुनिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मुझे कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी मत कराओ, ये अपने आप शादी कर लेंगे, इतने बड़े हो चुके, आपकी कोई वो नहीं, कोर्ट मैरिज है, बड़े हैं, क्यों नहीं होती, हम इनके साथ जाएंगे, हम साइन करेंगे, तुम चाहती हो शादी करेंगे, जब उसको रहना ही उसी के साथ, मुझे उसके साथ ही रहना, आपने उसकी बहुत बेइज्जती करी है, अरे कोई बात नहीं, आपने सच में उसकी बहुत बेइज्जती करी है, मैं बहुत देर से सुनती आ रही हूं, अपनी बातें बना रहे हो, अपने आपको अच्छा दिखा रहे हो ना, आप जैसे ना डेली 50 लोग हैंडल करता हूँ मैं, समझ आ रही है, जो आप बातों बातों में खुद को अच्छा दिखा के सामने वाले को बुरा दिखा रहे हो, खत्म हो गई ना आपको, खत्म को आप एक काम करिए, आपको कोई दिक्कत, हमने आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि आप चीजों को समझोगे, समझोगे उनको समझाओगे क्या करना है, लेकिन नहीं, आप माफ करिए हमें, आप माफ करिए, आपकी बेटी है, आप इन दोनों को आशीर्वाद देना चाहते हो तो देना दे सकते हो, ये अपने अपने आप कमा के, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे, अपने आप शादी करेंगे, साइन करने के लिए मैं, मेरा दोस्त, मेरी टीम है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब तुम बताओ क्या चाहती हो, आपका तो भरोसा नहीं है, आप अभी अभी इसको इतना बुरा, आप अभी अभी इतना बुरा कह रहे थे, अभी आप इसको अच्छा कह रहे हो, फिर शादी करवाने के बाद आप हम दोनों को अलग कर दोगे, तो क्या करूंगी मैं, शादी कराने के बाद आप इस बात का मैं भरोसा करूं, कैसी बात कर रही है, मैं नहीं कर सकती आप पे भरोसा, मुझे नहीं आप पे भरोसा, जब अपनी बेटी को अपने बाप, मुझे आप नहीं आप पे भरोसा, आप अभी इसको इतना, आपको कितने प्यार से समझा रहे थे, मैं बोल रही हूँ सचिन बोल, आप किसी की बात ही नहीं सुन रहे हो, मेरी सुनेगी, शादी करने में मैं कैसे अलग रहा, तुम हमारी शादी की बात करो, आपको भरोसा नहीं है, मैं नहीं करती आप पे भरोसा, छोड़ो फिर, जब अपनी बेटी को भाई अपने बाप पे भरोसा नहीं है तो हम क्या ही करेंगे, ठीक है, बाकी ये अंकल जी हैं, लड़की के बाप हैं, वीडियो में अभी तक अगर आप देख रहे हो, इनको जो अभी तक आपने देखा और समझा है ना, ये बिल्कुल उनसे अलग है, आप इधर आइए, इधर आओ, ये जो है ना लड़की का बाप है, और लड़की इस टाइम पे प्रेग्नेंट है, और लड़की मतलब मैं इसमें सबसे शर्म वाली बात बता देता हूँ क्या है, कि एक बाप अपनी बेटी को यूं कह रहा है कि अपने पेट से बच्चा गिरवा, सबसे घटिया और गिरी हुई बात। दूसरी शर्म की बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों की आपस में लव मैरिज हो रही है, डजेंट मैटर, लव मैरिज पता नहीं कहाँ से कहाँ पे होती है, हिंदू मुस्लिम की होती है, इंडियन फॉरेनर की होती है, जब एक ही जगह पे हम रह रहे हैं, इंसानियत सबसे बड़ा मैटर क्या होता है इंसानियत का, जो इस बुड्ढे में बिल्कुल भी नहीं है, पहले मैंने बहुत इज्जत करी इनकी, लेकिन मेरे को बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये बड़े हैं, ठीक है, इनमें अक्ल नहीं है, इनकी ये इज्जत लायक नहीं है, तो मैं इनकी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें इंसानियत नहीं, इनमें पता है क्या देखा जाता है, नीची जाति, ऊंची जाति, कौन कितना कमाता है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, जिसके अंदर में जाति और अमीरी गरीबी है ना, वो इंसान मेरी नज़रों में इंसान नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये वो नहीं कहते एक बेशरम इंसान, शायद वो हैं ये। और दूसरी बात है, इन दोनों को शादी करने में ये ड्रामा हमने सिर्फ इस चक्कर में लास्ट में करा था कि इनको थोड़ा कुछ रियलाइज़ हो, ये अपने दामाद से सॉरी बोले कि जो मैंने बोला है माफ़ी मांगे, लेकिन इनके ईगो इतनी हाई लेवल पे है ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता घंटा, ये तो कह रहे हैं अपनी बेटी को पेट से बच्चा ही निकलवा दो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये दोनों आपस में कोर्ट मैरिज करेंगे, इनको आपस में कोर्ट मैरिज करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मंदिर में जाके शादी करना, या फिर आपको वो चाहिए दुनिया आए आपकी शादी में, मिठाइयाँ खा के जाए,
ताकि ये अपने रिश्तेदारों को ये बता पाए कि मैंने एक नीच चीज आती वाले के साथ शादी करी। वही तो कह रहे हैं, मैं कैसे बताऊंगा किसी को, हमें बताना, हमें किसी को नहीं बताना, किसी को ये हमें नहीं चाहिए तो आप दो। अगर आपका दिल कर रहा आशीर्वाद देने का तो क्यों नहीं बच्चे? हाँ, आप मैं जैसे भी रहूंगी ना पापा, हम दोनों कमा के खुश रह लेंगे, नहीं चाहिए आपका कुछ भी। देखो आप अपने आप अच्छा मत बनाओ कैमरा देख के। अब सुनिए, अरे मैं सुन लिया, मेरे को आपका सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको जो बोलना था, आपको जो बकना था, आपको जो बोंकना था, आप सब कर चुके हो। अब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। अगर आपका मन कर रहा तो आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, नहीं देना तो बाकी ऊपर वाला महाकाल तो है। ज्यादा ही बोल रहे हो, महाकाल है, महाकाल है। आप कुछ बोलो, आपको आशीर्वाद देना, हाँ जी या ना? मैं हाँ देना जो नहीं, हाँ देना जो नहीं है। आप जी आशीर्वाद लीजिए अपने ससुर से, आप अपने पापा से लीजिए, बाद में पता नहीं कभी मिले भी या ना मिले आपसे। ऐसा क्यों होगा, बेटियां मिलूंगा नहीं? आप कैमरा देख के इतना पलट गए? कैमरा देख के नहीं पलट, कैमरा देख के ऐसे अच्छे की भाई फितरत चेंज हो जाती है बंदे में। जिसने इंसानियत नहीं थी ना, कैमरा देखने के बाद इंसानियत आ गई। वाह, जो खड़े पैर इंसानियत आ जाती है आजकल। जिनका जमीर नहीं होता ना, उनको भी पता लग जाता है कि जमीर की क्या वैल्यू होती है। कैमरा कोई नई चीज है, मैंने देखा तो मेरा खून नहीं है, ये मेरी बेटी खून नहीं है। वो भी बात नहीं करके उसने बुलाया था। हाँ तो वही तो कह रहा ना, आपको क्या करना है? तो बोल रहा हूँ, आपसे कोई बेइज्जती नहीं करनी, हम आपसे जीत नहीं सकते। अच्छा बेटा चलो आओ, मेरी बात मानो, आशीर्वाद आओ मेरे बेटा, बड़ी अच्छी बेटी आप पे नहीं आ रही, देख लो आशीर्वाद लेने। लो आप चले जाओ पापा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपको मुबारक हो, आपकी ड्यूटी चले जाओ। आपके शानो शौकत मुझे नहीं चाहिए। आपको क्या बोला था, सिर्फ शादी करवाने के लिए बोला था आपने, उसकी इतनी बेइज्जती कर दी। शादी करवाने के लिए रुका तुमने? अब नहीं करनी है मुझे, आपकी शानो शौकत से शादी नहीं करनी है। जाऊँ फिर मैं? आप जा सकते हो, बात करनी है। आप इज्जत से जाएंगे या धक्के खा के जाएंगे? नहीं मैं जा रहा हूँ, धक्के तो खा के जाऊंगा। इज्जत से जाइए, नहीं तो धक्के खाने, धक्के मारने हमें बहुत अच्छी से आते हैं, ठीक है? जिस फ्लाइट से आप आए हैं ना, उसी फ्लाइट से वापस जाना, कहीं उधर इधर उधर लैंडिंग मत कर लेना, कहीं आपकी लैंडिंग खराब हो जाए। ठीक है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तुम क्यों इतना वो कर रही हो, फील कर रही हो? तुम्हें फील करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ हैं, सब ठीक होगा। इस चीज़ को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पापा साथ नहीं दे रहे हैं तो कुछ हो जाएगा, मेरे माता पिता भी साथ नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो मैं कमाऊंगा, मैं नौकरी सब कुछ करूंगा, तुम परेशान मत हो प्लीज। नहीं कोई, तुम परेशान होने, अभी आपके पेट में बच्चा है, आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अभी तो एक महीने का, अभी 8 महीने और संभाल के रखना तुम्हें, समझो बात। संभाल के रखोगी ना, या फिर पापा के पास जाओगी रोगी? पापा आपके आपको धक्का दे के नीचे गिरा देते, फिर कुछ हो जाता। मेरे को उन पे इसी चीज पे गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत गंदी बातें कर रहे थे। वो अभी, अभी वो मैं उनसे इतने प्यार से बात कर रही थी, वो उनकी बेइज्जती कर रहे थे। पैसे का घमंड है तो हमें पैसा नहीं चाहिए, मैंने बोल तो दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका। मैं उनको बड़ा बुल्ला बोला क्योंकि मेरे को वो चीजें अच्छी नहीं लगती की कोई किसी को गरीब बोले, कोई किसी की जात की। मैंने उनसे इतनी इनको इतना जानता भी नहीं तो इतनी फ्रेंडली बात भी नहीं कर सकता, जैसे हो सकता है वैसे उसने किया। बाकी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला था वीडियो बना के सबको दिखानी है, दुनिया को हमने बनाई, दिखाएंगे भी, लोग सपोर्ट भी करेंगे अगर अभी तक देख रहे हैं तो। भाई इन दोनों की भाई शादी मतलब आज या कल में जो भी है हो जाएगी। मतलब मेरे साइड से आप जितने भी लोग देख रहे हो इनको मुबारकबाद दो, जो भी कहते हो उसको शादी की, ठीक है? और क्या ही बोलूँ मैं आप सभी को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन इनको शादी की विश ज़रूर कर देना, ठीक है? बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।